ताश की पत्तों की तरह बिखर गया ये मकान। देखिए कैसे 3 मंजिला इमारत को गिरने में सिर्फ 5 सेकंड का वक्त लगा। 1, 2, 3, 4, 5 चंद पलों में एक ऊंची इमारत धराशायी हो गई। ये तस्वीरें बिहार के बाढ़ में जारी कहर की गवाह है। बिहार में गांव से लेकर शहर तक सब बाढ़ की चपेट में है। इसी बीच सीतामढ़ी तो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इस कारण राम पदार्थ नगर में ये 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि यह मकान शंभूनाथ झा का था, लेकिन कभी जो मकान आलीशान हुआ करता था वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। फिलहाल इस हादसे में किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जिनका घर बाढ़ के कहर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, जरा उनसे ही सुन लीजिए इस हादसे के बारे में। हमारा नाम कविता देवी, स्वास्थ्य विभाग में आशा फैसिलिटी है, परसों पीएससी में। सवेरे हम जगे हैं, जगने के बाद हमको कुछ फील नहीं हुआ है। बाथरूम गए, बाथरूम से आने के बाद बगल में कुछ दहते मिट्टी जैसे बुझाया है। देखे उसका 3 मंजिल उड़ गया है, तो देखे हैं गर्भ। फिर हमारे हस्बैंड ऊपर से नीचे उतर गए हैं, नीचे आकर ही बोलने लगे हैं कि नीचे आ जाओ। नीचे आए तो देखे पूरा जगह धस रहा था, फट रहा था और मकान उत्तर की तरफ झुक रहा था। भागे हम बस। हम वहाँ से अटेंडेंट एक कपड़ा जो देह में पहने थे वही लेकर बाहर आए और 20 मिनट के अंदर में मकान पानी में तब्दील होकर के रामनाथ को बुलाई अपने के। कब बनाए मकान? बनाए थे 14 साल पहले। अच्छा। फिर मकान पूरे मकान को तोड़ करके फिर नया मकान 4 साल पहले बनाए। 2015 में 1 मंजिल कंप्लीट किए। कितने लोग थे आप लोग मकान में? मकान में अभी 7 लोग थे और उसके बाद 2017 में 2 मंजिल का मकान कंप्लीट करके तीसरे फ्लोर पर जाकर के कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिए थे। पूरे का फिनिशिंग कर चुके थे और किरेदार सब भी रह रहे थे 3 साल से। अच्छा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? नहीं, कोई नुकसान नहीं। सिर्फ सामान निकाल नहीं पाए? बस कोई सामान नहीं निकल पाया। आर्थिक डैमेज हुआ है, जान बच गया है। कितना का क्षति है आप लोग को? कितना बताएं आपको? अकेले नहीं जा, आप भी अंदाजा सकते हैं घर था। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि वो लोगों को अलर्ट कर रहे हैं ताकि बाकी लोग भी सुरक्षित रह सके। देश के आए हैं, हम लोग सबको अलर्ट कर दिए हैं और सबको हटा उठा के। सर, नदी के कात में जो लोग घर बनाए हैं उनको भी जो है ना चेतावनी दिया जा रहा है? यहाँ दे चुके हैं सर, मकान को खाली कराया जा रहा है कि आगे ऐसा ना हो सर। अच्छा, अभी जो सर मकान गिरी है तो क्या उसमें किसी को नुकसान भी हुई है? कोई व्यक्ति घायल भी? फिलहाल ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। बिहार में लगभग 555 पंचायतों की यही स्थिति बनी हुई है और बाढ़ से त्रस्त लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, बिहार तक।